नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न। दोस्तों, आज है सोमवार। सोमवार का दिन दोस्तों चंद्र से जुड़ा हुआ है। जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं, ये उपाय लाइफ टाइम आपके काम आ सकता है यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें कि सोमवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, सोमवार के दिन आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जैसे आप शिवालय में जाकर के पूजा पाठ करते हैं, घर में आप सोमवार के दिन वाले जो भी उपाय हैं, तमाम उपाय आपके मन को शांत करते हैं, मन को मजबूत बनाते हैं, मन को डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। क्योंकि मन से ही जुड़ा हुआ है चंद्र, चंद्र से जुड़ा हुआ है मन, कुछ भी कहो। और ये चीज दोस्तों, दोनों आपका मन चंद्र दोनों ही सोमवार के दिन पूरी ताकत में कार्यरत होते हैं। दोस्तों, आप देखना, जब आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जब आप कहीं फेलियर साबित हो रहे हैं, आपका मन बेचैन होता है, जब आपके घर में कलह होती है। ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहली एक चीज, वैसे तो कलह कभी भी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलह आपके घर के धन को खत्म कर देती है, सुख और समृद्धि को खत्म कर देती है, आपके पूरे व्यक्तित्व को दीमक की तरह खा जाती है। जहां भी आपको ऐसा लगता हो किसी व्यक्ति विशेष से, किसी कंडीशन से कि नहीं, इससे जुड़ करके मेरी लाइफ में कलह ही कलह आनी है, दुख ही दुख आना है, तो उससे दूर हो जाए, लाइफ में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। सोमवार के दिन दोस्तों गलती से भी घर के अंदर कलह ना होने दे, लड़ाई झगड़ा ना होने दे, किसी भी तरह का मन मोटाव सोमवार के दिन घर में बिल्कुल भी ना होने दे। सोमवार के दिन कोशिश करें, जितने ज्यादा घर में शांति रहेगी उतना ही ज्यादा आपकी पूरी लाइफ सुख और समृद्धि से भरी रहेगी। दूसरा दोस्तों, कई घरों में आपने देखा होगा दूध और दही। मैंने पहले भी बताया है कि ये बहुत ही मजबूत, बहुत पावरफुल, सौभाग्य की सूचक एक रत्न है, इनका हमेशा मान सम्मान करें। सोमवार के दिन दोस्तों घर में दूध लाने से, दूध तो एवरीडे आप लाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रमाण में यदि आप दूध लाना चाहते हैं तो सोमवार का दिन पसंद करें। घर में जो लोग मक्खन बनाते हैं, सोमवार का दिन पसंद करें, सोमवार के दिन ही घर में मक्खन बनाएं, घर में दूध लाएं और रखें भी, कोशिश करें पूरा दिन घर में दूध रहे। और दोस्तों, सोमवार के दिन दूध जरूर पिए, बिना भूले शक्कर वाला थोड़ा सा दूध सोमवार के दिन जरूर पिए। और आज के दिन दोस्तों कभी भी गलती से भी, जैसे आपने घर में दूध रख रखा है, दूध खराब हो गया है और आप उसको बाहर फेंकने के लिए जा रहे हैं, तो सोमवार के दिन गलती से भी दूध घर से बाहर ना फेंके। हाँ, आप गरीबों को दान करना चाहते हैं तो फ्रेश दूध खरीदें, गरीबों को दान करें। थोड़ा दूध 19-20 हो गया है तो जैसे बाहर कुत्तों को पिलाना, बिल्ली को पिला देना, ऐसा आप काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कूड़ा करकट पड़ा हो वहाँ गलती से भी, वैसे आम दिनों में भी ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोमवार के दिन जिनके घर से दूध फेंका जाता है बाहर, समझो वो अपनी किस्मत को अपने हाथ से नरक में डाल देते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। सोमवार के दिन दोस्तों कभी भी दूध को कूड़े करकट में ना डालें, हमेशा लेकर के आए घर में, पूरी इज्जत से उसे रखें और पिए भी।
और दोस्तों सोमवार के दिन शिवालय में अवश्य ही जाएं। शिवालय में जाकर के शिव जी को कच्चा दूध अवश्य ही अर्पित करें काले तिल डालकर के। और गलती से भी दोस्तों सोमवार के दिन जैसे आप शिवालय में जाते हैं, कभी भी केतकी का पुष्प, चमेली का पुष्प, इन चीजों को शिव जी को अर्पित करने से बचें। केतकी का पुष्प अर्पित करने से दोस्तों आप महापाप के भागी बनते हैं। शिव जी को कभी भी, क्योंकि ज्यादातर लोग सोमवार के दिन ही शिवालय में जाते हैं, एवरीडे नहीं जाते हैं, वैसे ये चीजें दोस्तों एवरीडे भी आपको शिव जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो कभी भी ये पुष्प कुमकुम कभी भी दोस्तों शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता। कुमकुम हमेशा माता रानी को अर्पित किया जाता है, शिव जी को चंदन अर्पित किया जाता है। तो सोमवार के दिन गलती से भी शिव जी के आगे शिव जी को कुमकुम अर्पित ना करें, और शिव जी के आगे दोस्तों कभी भी नारियल ना चढ़ाएं। नारियल गणपति जी का प्रतीक माना जाता है और गणपति जी शिव जी के पुत्र हैं। जो लोग बाधा मान्यता मानते हैं वे भी पूरा का पूरा नारियल ले जाकर के शिवालय में शिव जी के सामने रखते हैं, फोड़ते नहीं है। कभी भी नारियल शिव जी को अर्पित ना करें। हाँ, कोई बाधा मान्यता करनी है, पूरा का पूरा नारियल रख करके 11-21 रुपए रख करके आप बाधा मानता मान सकते हैं, लेकिन नारियल कभी शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता। तो दोस्तों छोटे छोटे से ये उपाय हैं, छोटे छोटे से काम हैं जो आप बड़े ध्यान से करें और बड़े ध्यान दें, कहीं इनमें से कोई गलती तो आप नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घर में कलह हो रहा है। क्योंकि जब आपके चंद्र कमजोर बनते हैं तो आपका मन हमेशा उद्विग्न रहेगा, आप हमेशा गुस्से में रहेंगे, मन बेचैन रहेगा, आप डिप्रेशन में रहेंगे। और यदि आपके चंद्र मजबूत है तो मन जबरदस्त रूप से मजबूत बन जाता है। मन जब मजबूत बन जाता है तो तमाम काम आसानी से होने शुरू हो जाते हैं। तो आज के दिन इन कामों को जरूर करें और छोटी छोटी सी चीजें हैं इनका भी ध्यान जरूर रखें। उपायों को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।